बाओलोग द रिंग्स ऑफ पावर वेब शो सीजन 2 खत्म होने की कगार पर आ गया है और एक बंदा जो कभी खुद को हेलब्रेंड कहता है, कभी एनाटार का रूप धारण करता है और अब उसे सौरोन कह के डिनोट करा जा रहा है। आखिर कौन है जिसने पूरे मिडिल अर्थ में एल्व्स, ड्वार्फ्स, मैंस, इरेगियन एंड यहां तक कि ऑक्स के भी नाक में दम करके रखा है? तो आज जानते हैं बाबा ये कौन है, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ डिटेल इस महाशय के बारे में। तो बाबा लोग सौरोन मेलकोर उर्फ मॉर्गोथ का बेस्ट लेफ्टिनेंट था, जो एक मायार था, और मायार वो होते हैं जो वालार को इस दुनिया को रूल करने के लिए हेल्प करते हैं। वालार एक तरह से भगवान मान लो आम भाषा में, और मायार उनके असिस्टेंट। सौरोन शिल्प कला में अव्वल था, हाथों में उसके फाइन स्किल थी, इसी के साथ वो वुल्फ, सर्पेंट एंड वैम्पायर का भी रूप भी धारण कर सकता था, मतलब काफी अच्छा जादूगर था। और मॉर्गोथ को सौरोन जैसे काबिल लेफ्टिनेंट की मदद से उसने बेलरियंड युद्ध में भी काफी तबाही मचाई थी, जिसने गैलेडियल के बड़े भाई नॉल्डोरियन किंग फिनरॉड फेलागंड को भी मारा है। और बाद में मॉर्गोथ के डाउनफॉल के बाद सौरोन ने सेकेंड एंड थर्ड एज में पूरी ताकत लगा दी थी मिडिल अर्थ को कॉन्कर करने के लिए, जिसके लिए उसने इरेगियन में अनाटार का भेस लिया, जहां उसने 19 पावर रिंग्स को फॉर्ज किया कैलिब्रिम्बोर के साथ मिलकर, और द वन रिंग जिससे वो सारी 19 रिंग को कंट्रोल करेगा उसे अकेले ही माउंट डूम पर जाकर बनाता है। उसके बाद सौरोन एज डार्क लॉर्ड काफी तबाही मचाता है, थर्ड एज में फिर लौटता है और फिर से मिडिल अर्थ को लोगों को खिलाफ जंग छेड़ता है, इस बार रिंग को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन गैंडोल्फ द ग्रे के नेतृत्व में फ्रोडो वैगन्स द्वारा माउंट डूम पर रिंग को नष्ट कर दिया जाता है, जो द वन रिंग जिसे सौरोन ने बनाया था बाकी रिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, जो हम लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी सीरीज में देख ही चुके हैं। और यहाँ सौरोन का थर्ड एज में द एंड हो जाता है और फिर वो भी मॉर्गोथ की तरह वॉइड में चला जाता है। तो ये थी बाबा ब्रीफ डिटेल, अभी बात करेंगे डिटेल में इसका ओरिजिन एंड हिज जर्नी ऑल हिस्ट्री। और वीडियो बाबा पहले ही बता दूं दो पार्ट में आनी है, और कोशिश यही रहेगी कि कोई भी वीडियो लेंथी ना हो पाए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच पाए। तो शुरुआत करते हैं ओरिजिन ऑफ सौरोन। बाबा लोग सौरोन को इल्यूविटर द्वारा बनाया गया था, जिन्हें वालार का टाइमलेस जोन में रहने वाला आर्किटेक्ट माना जाता है। स्टार्टिंग में वो एनर में से एक था, यानी डिवाइन सोल, होली स्पिरिट भी कहते हैं जिन्हें। बाद में वो मायार बना, मायार वो जो दुनिया की देखरेख में वालार को हेल्प करते हैं। इतना काबिल मायार था कि अपनी कैटेगरीज में ये नंबर वन पर आने लगा था, लेकिन स्मिथ से ऊपर ना उठ सका। स्मिथ कौन? जो अपने कैलिब्रिम्बोर वगैरह लोग हैं, पत्थर, नेचर, मेटल से अपनी फाइन शिल्पकारी दिखाते हैं, ये कैलिब्रिम्बोर लोग। उसी के बाद अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कुशल हुआ कौन? सौरोन। और मेलकोर से प्रभावित होने लगा था थोड़ा थोड़ा। मेलकोर मॉर्गोथ का असली नाम हुआ है। उसके बाद मेलकोर एंड सौरोन दोनों ने आर्डा में बहुत ज्यादा कांड किया। उसके बाद मिडिल अर्थ को ये लोग भाग कर आ गए थे वसंत ऋतु आने से पहले ही, और मिडिल अर्थ में मॉर्गोथ ने नॉर्थ वेस्ट में एंग बैंड का किला बनाया, जहां सौरोन को उसका कमांडर नियुक्त कर दिया गया था। सौरोन शुरू से ही मॉर्गोथ की जगह लेना चाहता था, वो सिर्फ कमांडर और सेवक बन के नहीं रहना चाहता था, वो सर्व करना नहीं चाहता था, वो रूल करना चाहता था। उसे मिडिल अर्थ में गॉर्थोर भी कहा गया, और सौरोन नाम भी इसे मिडिल अर्थ में ही मिला है। देन स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में कहा जाता है कि एल्व्स का जब उदय हुआ था तो सौरोन ही था जिसने मिडिल अर्थ में उनकी खोज करी थी, यानी उन्हें ये पाया था। देन उसके बाद मॉर्गोथ और सौरोन ने एल्व्स पर हमला करना चाहा, पर वलार देवताओं ने इनकी रक्षा करी थी, इनकी एल्व्स की। उसके बाद इन्होंने वेलिनोर के दो गॉड्स ट्री को भी नष्ट किया, जो हमने सीजन 1 में भी देखा, यानी द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 में जब गिलगैलेड एलरोंड को बताता है तब जाके उन पेड़ों का मिथ्रिल खाजा दूम की पहाड़ियों में समाया था, और इसके बाद इंसानों ने भी जन्म ले लिया था। इसके बाद सौरोन को इस वॉर का कमांडर बनाकर मॉर्गोथ गुप्त हो गया था, क्योंकि उसे इल्यूविटर के दूसरे क्रिएटेड मायार को अपने झांसे में लाना था और करप्ट करना था, वही इल्यूविटर जिसने सौरोन को बनाया था ताकि सौरोन जैसे और काबिल योद्धा मॉर्गोथ के पास आ सके। देन उसके बाद सौरोन ने फिंगोल्फिन को भी तबाह किया, देन टॉल सीरियन को भी तबाह किया। ऐसे ही करते करते जब सौरोन मिडिल अर्थ को एक तरफ से कॉन्कर कर रहा था, तभी वो नारगोथ्रोन पहुंचा, जहां का किंग फिनरॉड फेलागंड था, यानी अपना गैलेडियल का बड़ा भाई। और ये जंग फिनरॉड की भी नहीं थी, बल्कि अपने दोस्त बैरन को बचाने के चक्कर में उसे इस जंग में कूदना पड़ा, क्योंकि बैरन का बाप सौरोन मार चुका था जिसके बाप को, यानी बैरन के बाप को, और सौरोन के नाक में दम बैरन ने कर दिया था बदला लेने के चक्कर में बार बार उस पर अटैक करके, इसलिए सौरोन इसे खत्म करना चाह रहा था बैरन को। तब जाकर बैरन फिनरॉड के पास जाकर छुप गया, और सौरोन बैरन के पीछे पीछे नारगोथ्रोन में जा पहुंचा। तो इसका मुकाबला फिनरॉड फेलागंड से हुआ, और ये काफी पावरफुल कंटेंडर साबित हुआ सौरोन के सामने, जिसने सौरोन की हालत खराब कर दी थी। तभी सौरोन को अपनी जादुई ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा, और छल कपट से उसने फिनरॉड फेलागंड को मारने में सफल रहा था। जो हम द रिंग्स ऑफ पावर वेब शो में भी देख रहे हैं, गैलेडियल बिल्कुल मारने की कगार पर तुली हुई है सौरोन को, क्योंकि उसने ही उसके बड़े भाई को मारा था।
तो मिडिल अर्थ पर इन सभी अत्याचारों को देखने के बाद वलार ने वेलिनोर के वुल्फ हाउंड हुआन को भेजा, यानी वेलिनोर का प्योर वुल्फ, जिसने सौरोन की धज्जियां उड़ाई। दरअसल एक जाल बिछाया गया सौरोन को उसके किले से बाहर लाने के लिए, जहां उसने लुथेन को देखा, क्योंकि उसने एक टावर को जनरेट कर लिया था जिससे वो दूर दूर तक देख सकता था, और उसने लुथेन को देख लिया था जो एलिवेटर की सबसे सुंदर माया में से एक थी, और मॉर्गोथ को तो खोजी थी मायार की, और भी ज्यादा मायार की, और भी ज्यादा पावरफुल आर्मी को तैयार करने के लिए। इसी लालच में सौरोन ने उसे पकड़ने की सोची मॉर्गोथ को गिफ्ट करने के लिए। तभी वो अपना एक वुल्फ भेजता है उसे पकड़ने के लिए, किसको, लुथेन को। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसके साथ, लुथेन के साथ, हुआन यानी प्योर वुल्फ भी है, वेलिनोर का ग्रेट वुल्फ, जिसने सौरोन के 2-3 वुल्फ को चुटकियों में मसल दिया था। देन सौरोन तंग आकर उसके सारे वुल्फ, जो किंग वुल्फ था उसका, ड्रैगुलिन, उसको भेजता है, जो सबसे पावरफुल वुल्फ था उसका। इसके साथ हुआन का थोड़ा लंबा पंगा चला, लेकिन हुआन ने इसे भी पेल दिया, और अधमरा होकर जब ये वापस किले में लौटा तो सौरोन को सब कुछ बताया। तब जाके सौरोन बाहर आता है, और उसे हुआन के बारे में एक बात पता थी कि उसे वुल्फ की कैटेगरी में सबसे पावरफुल वेयरवुल्फ ही हरा सकता है, और सौरोन वेयरवुल्फ बन सकता था। उसने वेयरवुल्फ का रूप धारण किया, उसके सामने जाता है, जो काफ़ी भयानक दिख रहा था। एक बार के लिए हुआन की भी फट गई थी इसको देखकर, और हुआन के साथ घमासान युद्ध भी चला सौरोन का, लेकिन हुआन ने सौरोन को अपने जबड़े में कस के दबा लिया था। सौरोन महान जादूगर था जो किसी को भी कंट्रोल कर सकता था, लेकिन हुआन को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि वो वेलिनोर का प्योर वुल्फ था। तब वो उसके जबड़े से निकलने के लिए पहले सांप का रूप धारण करता है, फिर जाके अपने असली रूप में आता है, और अपनी जान की भीख मांगकर वैम्पायर का रूप धारण करके वो उड़ जाता है किसी जंगल में। देन आफ्टर द वॉर ऑफ रैथ मॉर्गोथ की हार हुई, वेलार के देवताओं और एल्व्स और ह्यूमन सभी ने मिलकर मॉर्गोथ को हरा डाला, और यहाँ सौरोन सबसे छुपने में सफल हुआ, और मिडिल अर्थ के किसी कोने में जाकर छुप गया लंबे समय तक। देन उसके बाद स्टार्ट होती है सेकेंड एज, और 500 साल बाद सौरोन फिर से हरकतों में आया। उसे लगा कि अब वेलार मिडिल अर्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यही समय है फिर से अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए, मिडिल अर्थ को कॉन्कर करने के लिए, क्योंकि मॉर्गोथ की फर्स्ट वॉर के बाद काफी लोग मिडिल अर्थ के मॉर्गोथ की डार्क पावर से करप्ट हो चुके थे, तो उनको फिर से करप्ट करना इजी रहेगा इस बार। जो हमने एक सीन में ऑक्स और अडार का द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 के त्रिहाद विलेज में अटैक के दौरान देखे ही थे, वॉल्ड्रॉग नाम का बुड्ढा जो पहले से ही मॉर्गोथ और सौरोन की डार्क पावर से करप्ट था और उन्हें सर्व करना चाहता था, यानी सौरोन को, तो सौरोन बस सेकेंड एज में इसी का फायदा उठाना चाहता था। उसके बाद उसने पहले एक किला बनाने की सोची, जिसने मॉर्डोर नाम की जगह खोजी, जो हाईएस्ट पीक था, जहां उसने अपना किला बनाया, मॉर्डोर का किला। उसके बाद बारादूर बिल्डिंग में डार्क टावर का भी निर्माण किया, जो नियर द वेलकोनो ऑफ माउंट डूम थी, और ये वही डार्क टावर है जिसे एविल टावर यानी आई टावर भी कहा जाता है, जहां से वो दूर दूर तक नजर रख सके। एक्चुअली इट वॉज सर्विलेंस कैमरा ऑफ सौरोन। खैर सौरोन को पता था कि मैंस को तो आसानी में ये कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उसके रास्ते का रोड़ा बनेंगे एल्व्स और न्यूमिनेरियंस, जो हम सीजन 2 में देख ही रहे हैं कैसे दोनों पावरफुल्स हो चुके हैं, न्यूमिनेरियन एंड एल्व्स बोथ। इसलिए एल्व्स को कब्जे में लाने के लिए और न्यूमिनेरियंस को भी कब्जे में लाने के लिए उसने रिंग्स बनाने की निर्णय लिया, ताकि वो उन्हें करप्ट कर सके ईजिली अपनी चाल के हिसाब से। इसलिए फर्स्ट एज से सेकेंड एज तक काफी लंबा समय छुपे रहने के बाद एक सुंदर एल्व्स का चेहरा बनाया उसने खुद के लिए, जो खुद को अनाटार कहने लगा, यानी वेलार का गिफ्ट देवता। हालांकि लिंडन में गिलगैलेड ने इसे कभी अपनी राजधानी में एक्सेप्ट नहीं करा और भगा दिया वहां से, लेकिन इरेगियन में जहां नॉल्डोर स्मिथ्स रहा करते थे, उनमें से एक कैलिब्रिम्बोर भी था, जिसका ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में हमने कैलिब्रिम्बोर वाली वीडियो में डिस्कस कर ही लिया है, तो वहां उसके बारे में जानना हो, इनके बारे में, इरेगियंस के बारे में, तो आप वहां पर देख सकते हो। तो एक बार चैनल विजिट कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि नॉल्डोरियन एल्व्स, जो अपनी शिल्पकला में बहुत अव्वल थे, अनाटार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कैलिब्रिम्बोर सौरोन से और भी कुछ नया सीखने के लिए इसके नक्शे कदम पर चलने लगा था। और इस दौरान इरेगियन के स्मिथ्स अपनी क्रिएशन के लिए काफ़ी चर्चे में भी आने लगे थे, जो हम सीजन 2 में भी देख रहे हैं, सौरोन कैसे इरेगियन को तबाह कर रहा है अपना काम निकालने के चक्कर में, यानी रिंग्स बनाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़ रहा है तो वो कर रहा है, चाहे इरेगियन तबाह ही क्यों ना हो जाए। देन उसके बाद सौरोन इरेगियन में रहकर रिंग्स ऑफ पावर को कंप्लीट करता है, यानी 19 रिंग्स जो बनानी थी, 3 एल्वन रिंग, 7 ड्वार्वन रिंग एंड 9 मैंस रिंग, मॉर्टल मैंस रिंग्स, उन सारी रिंग्स को बनाता है, जो पूरी 19 होती हैं, एंड वो माउंट डूम पर जाकर अपने लिए कुछ दिन बाद
एक वन रिंग बनाता है, द वन रिंग, जो पावरफुल रिंग होती जो इन सारी रिंग्स को कंट्रोल करेगी। लेकिन इस साजिश के बारे में एल्फ्स जान चुके थे, इसलिए उन्होंने रिंग्स को उतार कर ही फेंक दिया बाद में जाकर, क्योंकि वो उस वन रिंग से बाकी सभी रिंग्स को कंट्रोल करने वाला था ताकि वो सौरों से करप्ट ना हो पाए एल्फ्स। और बाद में वो एल्वन रिंग्स एल्फ्स से छीनना चाह रहा था, देन वो तीनों रिंग्स एल्फ्स से छीनने गया ही था, जो कभी युद्ध में उससे जीत ही नहीं पाया। लेकिन अपनी द वन रिंग को बनाने के लिए उसने लगभग अपनी ताकत पूरी गंवा दी थी, अपनी पूरी आधी ताकत झोंक दी थी उस रिंग को कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो बाकी की 19 रिंग्स को कंट्रोल कर सके। और यहाँ बाबा लगाते हैं अब विराम, बाकी की बात आगे सेकंड पार्ट में करेंगे, और सेकंड पार्ट में तभी डिलीवर करूंगा जब मुझे इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक तो मिल जाए यार, और काफी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिलेगा तब। तो लाइक करो, शेयर करो जो भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स के फैन हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बाबा ये सारी इन्फॉर्मेशन को बेस्ट वे में डिलीवर करने के लिए आप लोगों तक। और बाकी भाई सेकंड पार्ट में बात करेंगे द ब्लैक ईयर के बारे में, एल्फ्स और न्यूमेनेरियन से फाइट के बारे में, अगेन डाउनफॉल ऑफ सौरन इन सेकंड एज, देन थर्ड एज में फिर से उसका उदय कैसे होगा, उसके बाद फाइनल वॉर कैसे सौरन का दी एंड होगा। तो बाबा ये तो ट्रेलर था, इससे आगे तबाही आपको देखने को मिलने वाली है अपनी ही वीडियो में, यही चैनल पर, इसी यहीं पर। वीडियो को ढेर सारा लाइक दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि नेक्स्ट वीडियो और भी पावरफुल तरीके से डिलीवर कर पाऊँ, ताकि ढेर सारा इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन मुझे मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो पर, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई, तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।